ये पोस्टर की बात करेंगे, सलमान सर की आपने बात की, तो अगेन यू न्यू कि भाई पोस्टर में बॉडी दिखाना है, सामने सामने खड़े रहना है, एंड सलमान इज नोन फॉर हिज फिजिक एंड एवरीथिंग, तो वो चीज में कहीं पे थोड़ी नर्वसनेस या स्केप्टिकल थे आप? जी बिल्कुल, मेरे लिए एक्चुअली इसे कई लोग बोलते हैं कि अरे ब्रदर लॉग सेल्फ फाइट किया या फैमिली में हुआ, मेरे लिए वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए सामने इंडिया के सामने तो बिगेस्ट सुपरस्टार्स खड़े। यू नो, आप पर्सनल लाइफ को साइड में जब कर रखे, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं वो एक बहुत सीनियर सुपरस्टार है। ये डर मुझे शाहरुख भाई के साथ भी होगा, ये डर मुझे आमिर भाई के साथ भी होगा, क्योंकि इनकी फिल्में देख के हम लोग बड़े हुए हैं, इनके सिनेमा में इनकी फिल्में देख के हम लोग थिएटर में तालियां मारे हैं, हम लोग रोए हैं, हंसे हैं। तो जब उनके साथ आप कैमरा में खड़े होते हो तो कभी कभी खुद पे डिसबिलीव होता है कि यार मैं ये कैसे हो गया मेरे साथ, यू नो खुदा का हाथ है, ऐसा लगता है कि खुदा का हाथ है कि मैं आज इनके साथ कैमरा पे खड़ा हूँ। और आपको एक फीलिंग होता है कि यार मैं अब ये जो सीन मैं करने वाला, कितने लोग इस सीन को देखेंगे। तो आपको आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ज़्यादा होता है कि यू नो एक रिस्पेक्ट है सलमान भाई के लिए, अगर आपको कोई यू नो नेचुरली अगर आप किसी को बहुत मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, और आपको बोले कि उनकी गर्दन में हाथ डाल और उनको पकड़ के घुमाओ, तो रिस्पेक्ट जो होती है उस चीज़ से नहीं होता है, कैसे होएगा? मतलब कैसे आप लोग आप फील करते हैं कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। बट आई थिंक इस पूरे जर्नी में सलमान भाई ने काफ़ी हेल्प किया, यू नो उन्होंने काफ़ी जहाँ पे लोग किसी को इंटिमिडेट कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं मेक श्योर करते थे कि जब मैं उनके साथ फाइट सीक्वेंसेस कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं के साथ कर रहा हूँ, वो कभी बॉडी डबल लेके नहीं आते थे, मेक श्योर करते थे कि अगर कभी गलती हो गई तो एक सेकंड में झटक के बोलते थे वापस करो, वापस से करो, वापस से करो। तो आई थिंक दैट इज व्हाट मेड मी वेरी कंफर्टेबल। तो आई रेड समवेयर कि कुछ काफी पंचेस आपने भी मारे, उन्होंने भी मारे, वो सीन के चक्कर में ऐसा भी कुछ हुआ था। बट सलमान इज ऑल्सो नोन फॉर यू नो कि कुछ अच्छा चीज़ या शॉकिंग चीज़ देख लेते हैं तो खुशी से आके वो अप्रिशिएट भी करते हैं, तो वो एक कोई ऐसा किस्सा हुआ था? आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब उन्होंने पहली बार फिल्म देखी थी, फिल्म देखने के बाद जब उन्होंने काम देखा था तो उन्होंने खुद ही बोला था कहते कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है जो तुम्हारे परफॉर्मेंस है, और मेरे को उस बात से बहुत खुशी हो रही है कि ये परफॉर्मेंस तुम्हारी जो मैंने सोचा था तुम जिस लेवल पर जाओगे उससे आगे गए हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक फॉर मी मेक मेरे लिए बहुत मीन करता है क्योंकि मेरे लिए वो प्रोड्यूसर हैं, मेरे वो को एक्टर हैं, बट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा वो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, और अगर गुरु जब आपके काम को तारीफ करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है।